हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून। क्लास सिक्स चलते हैं हम लोग। बच्चों आज बुक से पढ़ेंगे और आप अपने मैथ का बुक का पेज नंबर 66 निकालिए। मैंने 5 तक पढ़ाया था प्रैक्टिस सीट 1 में, 6, 7, 8, 9, 10 को आज हम लोग करते हैं, ठीक है ना बच्चों? ओके, देखिए बच्चों 66 नंबर पेज है और इसमें 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। 6 का ए, पहले इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं। यूज द नंबर लाइन एंड ऐड द फॉलोइंग, है ना, 11 प्लस ब्रैकेट में -1। हमें इसको ऐड करना है, कैसे करेंगे, यही क्वेश्चन है। आप याद रखिए, मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिए। ये -5 है, जब इसको ब्रैकेट को घटाएंगे तो माइनस और प्लस क्या होता है बच्चों, हमेशा माइनस होता है, याद करेंगे, और घटाएंगे तो राइट आंसर 6, ठीक है। इसी तरह से बी नंबर देखते हैं, -4 प्लस 8, ब्रैकेट हटाएंगे तो -4 हो जाएगा, ये +8 है। अब ये प्लस बड़ा है तो प्लस में से ये माइनस घटेगा तो प्लस बड़ा आएगा, तो सिंबल हमेशा बिगर नंबर का होता है, राइट आंसर 4 हो जाएगा बच्चों। ओके, इसके बाद नेक्स्ट सी देखते हैं, -2 प्लस -6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, ये तो -2 है ही, इसको जब हटाएंगे तो प्लस माइनस, मैंने बताया था माइनस होगा, तो जब दोनों माइनस हो तो माइनस 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 होता है और दोनों जुड़ जाएगा, राइट आंसर -8 होगा, ठीक है ना बच्चों। डी नंबर देखते हैं, -7 प्लस -7 है और ये क्या है, +7 है, तो दोनों सेम अंक है तो माइनस प्लस दोनों खत्म हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा, कट जाएगा 0, ठीक है ना। इस तरह से हम बनाएंगे। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन, ऐड द फॉलोइंग एंड फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सम ऑब्टेंट, है ना। ये नंबर देखते हैं, -44 एंड 100, है ना, ऐड करना है, क्लियर है ना। हम लोग क्या करना है, ऐड करना है। अब हम इसको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो -44 प्लस 100 ऐड कर रहे हैं, तो ये माइनस इसमें से घटेगा तो कितना आएगा, -10 में से 5 आएगा, यानी राइट आंसर 56। इसी तरह से एक और बता देते हैं, बी नंबर में दिया है 256 एंड -341, ऐड करना है, आपको मैंने बताया है ब्रैकेट जब बढ़ाएंगे तो ये माइनस ही हो जाएगा, 341 में बिगर नंबर माइनस है तो माइनस में ही घटेगा, घटाएंगे 11 में से 6, 5, 6, 11, 13 में से 5 गया 3, 2, 8 ना, गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग, ये तो कट जाएगा 85 आएगा, 11 में से 6, 5, 11 ये कहा तो कट गया 13 बन गया, 13 में से 5 गया, 8, 4, 12, 1, 13, ठीक है, तो माइनस बड़ा है तो ये हो जाएगा -85, क्लियर है ना। इसी तरह से एक और सी बता देते हैं, -5, -9, -4, 0, 7, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो याद रहे जब ये ब्रैकेट हटेगा तो ये सॉरी माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1, 4, 0, 7,
598। दोनों में जब माइनस है तो माइनस 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 होता है और दोनों जुड़ जाते हैं, 8 7 5 हासिल है 9 1 10 का 0, हासिल है 5 9 10 का 0, हासिल क्या जाएगा बच्चों, -200 5 इज राइट आंसर। ओके ना, इस तरह से हम इसे बनाएंगे। अब हम आप लोग को 8 नंबर दिखाने जा रहे हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग एंड फाइंड द अपोजिट ऑफ इच डिफरेंस, है ना। ए में दिया है -37 -52, ठीक है ना। ये देखिए बच्चों, 8 नंबर में है, सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग फाइंड द अपोजिट ऑफ इच डिफरेंस। सब्ट्रैक्ट करना है फॉलोइंग, है ना, -4 -37 को सब्ट्रैक्ट करना है। याद रखिएगा, जब अंक में सब्ट्रैक्ट होता है तो सब्ट्रैक्ट में जेंडर क्या होता है, बदल जाता है, ये माइनस से प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस फिर भी बिगर है, 14 में से 7 गया 7, राइट आंसर -17। ओके, बी नंबर भी दिखा देते हैं, कहता है -682 फ्रॉम 0। अब देखिए, 0 में से सब्ट्रैक्ट करना है -682। मैंने बोला माइनस, नीचे वाला जेंडर क्या होता है, प्लस हो जाता है, इसका तो 0 वैल्यू है, ये प्लस में क्या हो जाएगा, राइट आंसर 682। समझ में आ रहा ना कैसे करना है, इसी तरह से करेंगे बच्चों सब। सी में भी देख लेते हैं, 149 फ्रॉम 294। अब देखिए, फ्रॉम -294 में 149 को सब्ट्रैक्ट करना, तो बिल्कुल बच्चों उसी तरह से है, यहाँ पे प्लस है, कुछ नहीं है, तो ये माइनस बन गया। अब माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा और सिंबल माइनस का होगा, 9 4 13, हासिल 1 10 4 14 का 4, हासिल 1 2 3 4, राइट आंसर। इस तरह से हम बनाएंगे, है ना। अब 9 नंबर देखते हैं बच्चों, फाइंड द सम ऑफ टू इंटीजर। कहता है कि सम है टू इंटीजर का नंबर का -90, ठीक है, और 1 नंबर जो है वो है आपका 246। फाइंड अदर नंबर, इस तरह से देखिए, सम दो अंकों का -19 है, 1 नंबर 246, फाइंड द अदर नंबर। हमने मान लिया लेट बी एक्स, अब दोनों को जोड़ते हैं, एक्स प्लस 246 कितना आना चाहिए, -19, एक्स यहीं रह जाएगा -19, तो प्लस वाला भी माइनस में चला जाएगा, बराबर के उधर, तो एक्स बराबर क्या होगा, माइनस माइनस तो प्लस होता है, 9 और 6 15 का 5, हासिल 1 4 1 5 और 1 6, कितना आ गया, -265 इज द राइट आंसर। ओके, 10 नंबर भी एक छोटा सा सवाल है, देख लेते हैं, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम्स, है ना। इसमें प्राइम नंबर कौन है, प्राइम नंबर किसको कहते हैं, जो खुद से कटे या 1 से कटे, किसी और से कटता नहीं है, खुद से कटता है या 1 से कटता है। तो याद रखिए, 83 भी नहीं कटेगा, 201 कट जाएगा, 2 और 1 जोड़ दीजिए 3 हो गया ना, 3 से ही भाग लग जाएगा, 69 भी कट जाएगा 3 से, 193 भी नहीं कटेगा प्राइम नंबर है किसी अंक से, तो राइट आंसर ए 83 और डी 193। ये दोनों प्राइम नंबर है। ओके बच्चों, नेक्स्ट अगले क्लास में।